नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मैं करता हूँ इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आज का सेशन जो है वो कोई टेक्निकल नहीं है। आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो श्रीमद् भागवत के अंदर एक पार्ट जो है उसका, उसके बारे में बताऊंगा और वो पार्ट को हम मैनेजमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि श्रीमद् भागवत के अंदर जब युद्ध स्टार्ट हो रहा था तभी अर्जुन सबसे धनुर्धारी माना जाता था, पर जब युद्ध स्टार्ट होता है उससे पहले अर्जुन कृष्ण भगवान को कहता है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। कृष्ण भगवान कहते हैं कि भाई क्यों नहीं करना चाहता है? तो वो बोलता है कि भाई मैं जो युद्ध करूंगा तो ये सब मेरे ही है, मेरे दादा है, परदादा है, मेरे भाई है, चाचा है, सभी लोग है, वो सब मेरे ही है और वो मेरे हाथों से मारे जाएंगे। मतलब मैं उसे मार दूंगा, वो मैं नहीं करना चाहता, इससे कोई मेरे को फायदा भी नहीं होगा, तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं। तो संसार जो है उसका परिवर्तन का नियम है जैसे आप जानते हैं। तो कृष्ण भगवान उसको समझाते हैं कि भाई जो कर रहे हो तुम नहीं कर रहे हो, जो है वो सृष्टि के अनुसार तुम एक निमित्त मात्र हो, तो उसके लिए तुमको करना ही पड़ेगा। तुम जो बोल रहे हो कि मैं करता हूं ऐसा कुछ है ही नहीं, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुमसे कुछ होता भी नहीं है, जो कुछ है वो तुम एक निमित्त मात्र हो। इसके जरिए युद्ध हो रहा है वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं था। तो कृष्ण भगवान ऐसे समझाते हैं उसे कि मैं करता हूं मत करो, जो भी करता है वो करता कोई और ही है, तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो ऐसे फिर अर्जुन मान जाता है और युद्ध होता है और आगे की कहानी आप सब जानते हैं। तो ऐसे ही मैं ये पार्ट लेके आपको मैनेजमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको, उसके बारे में बताता हूँ। मैनेजमेंट में जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक बॉस रहता है, कुछ लोग उसके नीचे पे काम करते हैं, तो बॉस हमेशा ऑलवेज यही करता है कि भाई मैं करता हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो इसका एक सोच ऐसा बन जाता है कि जो भी कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं, और वो मैं करता हूं मैंने ये कर दिया ऑलवेज करते रहते हैं। बट सही बात यह है कि इस सृष्टि के अनुसार जो भी है वो कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि आप जानते हैं हमारे हाथ से एक पत्ता भी नहीं हिलता है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है, फिर भी हो रहा है वो एक सृष्टि के अंदर जो कोई ना कोई और कुछ कर रहा है उसकी वजह से हो रहा है। तो ऐसे ही हम मैनेजमेंट में भी ये करते हैं, वो एक हमारा घमंड है कि हम कर लेते हैं, किसी के नाम किसी ने काम किया किसी के नाम पे चढ़ा देते हैं। तो ये जो है वो एक गलत चीज है। एक्चुअली जो हम मैं करता हूं कुछ है ही नहीं, जो भी कोई कुछ कर रहा है वो एक निमित्त मात्र है। तो ऑलवेज मैनेजमेंट के अंदर अगर सही तरह से आप काम करोगे, जैसे कि भागवत में अर्जुन को समझाया कृष्ण भगवान ने, ऐसे ही जो भी है वो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं कर रहा हूं तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बराबर। तो ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर अगर सब लोग ऐसे ही करें तो एक जो हमारा टारगेट जो रहता है, एक अचीवमेंट जो रहता है वो हम पार कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आज का वीडियो यहां तक खत्म कर रहा हूं दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।